हेलो एवरीवन, मैं फैजान, आप देख रहे हैं कैन आई टीच यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। आप लोग सोच रहे होंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा था। आज हम लोग सबसे सरल मेथड सीखेंगे जिसे कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। चलिए सीखते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा उसे आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशियंट है वो यूनिटी होना चाहिए। कितनी कठिन बात बोल दी है ना। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट है वो यूनिटी होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये तो बहुत कठिन है। चलो करते हैं। भैया बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सिर्फ ए से डिवाइड देना है बोथ साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ए से डिवाइड दे देंगे। ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी डिवाइड बाई ए इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई ए। कितना कठिन था ना, ए से डिवाइड दे दिया। डिवाइड करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए हटा दे रहे हैं, हटा दें ठीक है, हटा देते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो डिवाइडेड बाई ए, बहुत बड़ी गिनती आएगी, क्या आएगी, इनफाइनाइट है ना। ऑलवेज जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग ऑलवेज जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेप, ये बहुत ही कठिन है ना। सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, कठिन स्टेप है तो इसे ज़्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसमें सिर्फ हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट ऐड करना है। एक्स का कोफिशियंट आपको पता है क्या है, बी अपॉन ए, बस अब बचा क्या, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट ऐड करना है। दोनों साइड ऐड कर देंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट ऐड करना है दोनों साइड। इसे लिख लें आप, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट ऐड करना है, लिख लें इसे कॉपी में। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स ऐसे ही लिखेंगे, स्क्वायर ऐड करेंगे, ऊपर से स्क्वायर लगा लेंगे, क्योंकि इसे हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये पढ़ते थे हम लोग। अब क्या करेंगे, इस तरह से इसे बना लेंगे कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। चलिए करते हैं, एक्स प्लस है, प्लस लगाया, क्या करें, हाफ ऐड क्या करना है, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट, हाफ लिखा, एक्स का कोफिशियंट क्या है, बी अपॉन ए, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट, हाफ एक्स का कोफिशियंट क्या लगाया, स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, सी अपॉन ए लिखेंगे इक्वल टू जीरो, है ना। चलिए जीरो कर देते हैं, प्लस अब क्या करना है, इधर ऐड किया है वही चीज इधर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, हाफ बी अपॉन ए, हाफ एक्स का कोफिशियंट स्क्वायर, ठीक है, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट ऐड कर दिया, हाफ लगाया, एक्स का कोफिशियंट क्या था, बी अपॉन ए, स्क्वायर लगा दिया उस पर, क्या हो गया, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट। चलिए अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब कंप्लीट स्क्वायर का जो भी सवाल होगा यहीं तक, यहीं पर मार देंगे उन्हें। क्या करेंगे, अब कंप्लीट स्क्वायर का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे यहीं पर ख़त्म कर देंगे, और जो दो कदम और आगे जाना चाहता है तो बिल्कुल भी जाए, मैं उसे बता देता हूँ वो कहाँ पहुँचेगा।
वो श्रीधराचार्य जी के पास पहुंच जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी फॉर्मूला रूट निकालने का होता है वहां पर पहुंच जाएंगे। मैं बता देता हूं क्या होता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन कुछ नहीं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। आगे हल करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे। अरे ब्रैकेट कितना बुरा बना है, इसे और अच्छा बनाते हैं। अब बस इतना अच्छा ठीक है ना। चलो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या सीख रहे थे, मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, रूट निकालना सीख रहे थे कंप्लीट स्क्वायर वाले। तो हमें यहां तक करना है बस। आगे जब पढ़ेंगे श्रीधराचार्य जी पास जाना होगा तो वहां भी जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहीं पर मार देंगे उन्हें दो स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरल इक्वेशन दी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म दी होगी, और कह रहे हैं वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो है यूनिटी होना चाहिए। तो इतना कठिन था हम लोगों ने कर ही नहीं पाए। ए से हम लोगों ने उसे डिवाइड दे दिया, क्या किया ए से डिवाइड कर दिया, तो ये यूनिटी हो गया, कुछ नहीं बचा इनके साथ, अकेले पड़ गए ये। अब क्या करेंगे, बी अपॉन ए इंटू एक्स ऐसा ही लिखा प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या किया हम लोगों ने, एक्स के साथ दोनों साइड हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट ऐड कर लिया बोथ साइड। क्या किया, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट ऐड कर लिया। देखिए हाफ बी एक्स का कोफिशियंट बी अपॉन ए स्क्वायर लगा दिया, इस पर भी था तो इन्हें इनका स्क्वायर करना था, स्क्वायर लगा दिया। अब क्या किया, प्लस सी अपॉन ए, जीरो का कोई महत्व नहीं है, जीरो हटा देंगे, ठीक है। अब इस साइड भी हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशियंट ऐड कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट, ठीक है। और आगे जो बढ़ना चाहता है वो श्रीधराचार्य जी के पास पहुंच जाएंगे। आगे हम लोग इसे और हल करेंगे, इतने में कंप्लीट स्क्वायर वाले सवाल को हम लोग किल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो मैंने ड्राइव किया था वो इस साइड लिख दिया है और एग्जाम्पल इस साइड है। इसे समझते हुए हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। किस मेथड से करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। एक बार इसे हम लोग फिर देखेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। चलिए ठीक है देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उसको क्या किया हम लोगों ने, सबसे कठिन काम किया था यहाँ पर, ए से डिवाइड कर दिया था, तो यूनिट बनाना था हम लोगों को, क्या करना था, एक्स एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को यूनिट बनाना था, तो ए से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, यूनिट बन गया। इस तरह से किया था हम लोगों ने, यहाँ ए था, ए से डिवाइड किया था, तो क्या हो गया था, ए से ए कैंसिल हो गया था और बचा क्या था, एक्स स्क्वायर यूनिट हो गया था, कुछ नहीं बचा इनके साथ। बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या किया था हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में, सेकेंड, आप इन स्टेप्स को नोट कर लेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरह। सेकेंड स्टेप में क्या किया था, एक्स इसी तरह लिखा, हाफ स्क्वायर ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स को ऐड कर लिया, हाफ स्क्वायर ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स को ऐड कर लिया, हाफ लिखा एक्स का कोफिशियंट ऐड किया और स्क्वायर पावर लगा दी, एक्स पर भी थी और इन पर भी लगा दिया, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे थे इसे, ठीक है। फिर क्या किया, प्लस सी बाई ए इसी तरह इक्वल टू, इधर ऐड किया था तो हम लोगों ने इसे इधर भी ऐड किया राइट हैंड साइड पर, 1/2 एक्स का कोफिशियंट बी अपॉन ए और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसे अपने एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या दिया, सॉल्व करेंगे इसे।
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। सबसे कठिन काम करना है आप स्टेप फर्स्ट, क्या करना है, थ्री को डिवाइड करना है। कितना कठिन काम है ये, क्या करना है, थ्री को डिवाइड करना है, इसे यूनिटी बनाना है हम लोगों को। इसमें क्या किया था, ए को यूनिट एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को यूनिटी बनाना था, ए से डिवाइड कर दिया था, यहाँ पर तो ए है नहीं, क्या करेंगे, थ्री है, थ्री से डिवाइड कर देंगे, इसे थ्री से डिवाइड कर देंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई थ्री। अब ये थ्री से ये थ्री कैंसिल, और इससे ये ऑलवेज ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाई समथिंग ऑलवेज ज़ीरो, तो क्या करेंगे, इसे ज़ीरो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव बाई थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब सेकेंड स्टेप पर जाएंगे, सेकेंड स्टेप में क्या कह रहे थे, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स का कोफिशियंट ऐड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं उसी तरह से, हम लोग जिस तरह बोला था उसी तरह करेंगे। एक्स लिखा है, एक्स लिखेंगे, प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन था और यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का, तो साइन कौन सा रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाफ, और बी का कोफिशियंट क्या है, फाइव बाई थ्री, सॉरी बी का नहीं, एक्स का कोफिशियंट क्या है, फाइव बाई थ्री, तो फाइव बाई थ्री लिखेंगे। और अब स्क्वायर, फिर क्या करना है हम लोगों को, प्लस सी बाई ए है, यहाँ पर सी बाई ए की जगह क्या है, टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह इक्वल टू ज़ीरो है, क्या करेंगे, जिस तरह इसमें किया था, हाफ बी अपॉन ए, एक्स का कोफिशियंट है बी अपॉन ए, हाफ एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी वही करेंगे, हाफ एक्स का कोफिशियंट क्या है, बी अपॉन ए, यहाँ पर बी अपॉन ए क्या है, फाइव बाई थ्री, तो फाइव बाई थ्री लिखा और स्क्वायर लगा दिया। अपना सवाल क्या हुआ, हल हो गया, ख़त्म हो गया। अब एक्स की वैल्यू चाहिए, इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपली देखिए इस तरह से, ये एक्स इसी तरह लिखा, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन का फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव हो जाएगा, टू का थ्री में करेंगे सिक्स हो जाएगा, स्क्वायर इसी तरह से लगा दिया। ये बच्चों वाला काम है, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। टू बाई थ्री यहाँ पर ना लिख के ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे हम लोग, पक्षांतर करेंगे, टू बाई थ्री राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। पहले ये वाला लिख लेते हैं, इसे भी जो बच्चों काम होता है वो करते हैं। क्या करना है, वन को फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव हो जाएगा, टू को थ्री में करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, और स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री। माइनस टू बाई थ्री क्यों आया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए, ट्रांसफॉर्मेशन किया, साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, इनको जो है सॉल्व कर लेंगे, एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स है ना, तो 25 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 2 बाय 3। इतना समझ में आया, सिंपली यहाँ पर क्या किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है, 1 बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 1 बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और 2 बाय 3 को ट्रांसफॉर्मेशन किया, माइनस 2 बाय 3 हो गया पक्षांतर करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस फाइव बाई सिक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इन्हें सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 36, इनका एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 36,
अब 36 को 36 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 को 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 25 माइनस, अब 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 24, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1/36, वैल्यू क्या आई है 1/36। अब x माइनस फाइव है, स्क्वायर हटाएंगे यहां पर से, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इस पर अंडर रूट आ जाएगा, रूट आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, या इस तरह से कर लेंगे, देखिए इस पर भी स्क्वायर है और ये 1/36 को क्या लिख सकते हैं 1/6 का स्क्वायर, अब स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो वही किया गया यहाँ पर, स्क्वायर्स को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया गया। अब इसका आंसर इधर देख लीजिए आप, वहां पर जगह नहीं है, x इक्वल टू इस -5/6 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये वाला 1/6 ऐसे ही माइनस, ये माइनस में राइट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5/6, x इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 5/6 है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, और ऊपर क्या है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 5 से तो 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई 6/6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस हो जाती है, दो वैल्यूज आती है नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस माइनस 1/6 आई है, ठीक है, ये स्क्वायर हटाया था हम लोगों ने, ठीक है, इसे हटा रहे हैं, वैल्यू क्या आई हम लोगों की पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक वैल्यू हम लोगों ने क्या करी पॉजिटिव के साथ ले ली, इसे पॉजिटिव रखा आएगा, एक्स की क्या करेंगे दूसरी वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू -1/6 प्लस 5/6, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा -1 और यहाँ पर प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 2/4/6, तो वैल्यू क्या आएगी 2/3, इसे 2 से कैंसिल करेंगे इसे तो क्या आएगी वैल्यू 2/3, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू एक वैल्यू क्या आई 1 आई है और दूसरी वैल्यू 2/3, एक बार इसे और समझ लेते हैं हम लोग, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, किस मेथड से निकालना था कंप्लीट स्क्वायर से, हम लोगों ने क्या किया जिस तरह इसमें किया था उसी तरह एग्जांपल को अपने हल किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यूनिट होना चाहिए, यूनिट बनाया 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर क्या किया सेकेंड स्टेप ऐड किया हम लोगों ने, हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स कोफिशियंट ऐड किया इस साइड भी और इस साइड भी, उसके बाद पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करा क्या आया 1/36, स्क्वायर हटाया दो वैल्यूज मिलती है नेगेटिव पॉजिटिव स्क्वायर के साथ, अब क्या करो एक्स की वैल्यू निकाला एक बार पॉजिटिव साइन के साथ एक बार नेगेटिव साइन के साथ, एक बार एक्स की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ निकाली एक बार नेगेटिव साइन के साथ निकाली, आई होप आप सभी को
ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आप अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कमेंट में उसका आंसर बताएंगे पूरी ईमानदारी से, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैन आई टीच यू? थैंक यू।